विद्यार्थी, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा। डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थी, मैं हिंदी टीचर, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, पाठ 19, पुस्तक। इस पाठ के लघुत्री एवं दीर्घुत्री प्रश्न समझाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको भाषा अनुशीलन समझाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको इस पाठ का सारांश समझा दिया है, तो आप समझिए। देखिए, प्रश्न पहला, बख्तियार खिलजी के आक्रमण से क्या हानि हुई थी? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, अर्थात पूरे देश पर आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था। उसने जो नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थे, रत्न सागर, रत्न दधि और रत्न रंजन, इन पुस्तकालयों को जला दिया था, जिससे हमारे अमूल्य ग्रंथ और पुस्तकें नष्ट हो गईं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पुस्तकें पढ़ने की आदत कम क्यों होती जा रही है? आज का समय सूचना क्रांति एवं दूरदर्शन का समय आ गया है। इस दौर में पाठकों की, विद्यार्थियों की पुस्तकें पढ़ने में आदत कम होती जा रही है, क्योंकि दूरदर्शन पर वो सब कुछ देख लेते हैं और सूचना क्रांति में आया समझ में। अब आगे का प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय कौन कौन से थे? नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थे, रत्न सागर, रत्न दधि और रत्न रंजक, ये 3 पुस्तकालय थे। आगे का प्रश्न, पुस्तकालय या यात्रा का क्या संबंध है? पुस्तक बाहरी और भीतरी यात्रा का समवाय है। बाहरी और भीतरी यात्रा का समवाय है। यात्रा में पुस्तक है, पुस्तक में यात्रा, यो यात्रा में यात्रा। जब हम यात्रा करते हैं तो पुस्तक का सहारा लेते हैं, पुस्तक पढ़ते जाते हैं, और जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो यात्रा के विषय में उसमें बताया जाता है, इसलिए इसमें भीतरी एवं बाहरी यात्रा का संवाद है। पुस्तक नामक निबंध में श्री देवेंद्र दीपक ने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या विशेषताएं बताई है? नालंदा विश्वविद्यालय की लेखक ने विशेषताएं बताई है। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे एवं यहाँ पर जाने माने प्रसिद्ध 1500 आचार्य थे। मैंने आपको नाम भी बताया था, उन वे आचार्य बौद्ध दर्शन, दर्शन, इतिहास, वेद, निरुक्ति, हेतु विद्या, न्याय शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र और ज्योतिष में शिक्षण करवाते थे। शीलभद्र, नागार्जुन, धर्मकीर्ति, ज्ञानश्री, बुद्धभद्र, गुणमती, स्थिरमती, सागरमती जैसे प्रकांड आचार्य यहाँ शिक्षा दान करते थे। यहाँ पर विदेशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और शिक्षा प्राप्त करके शिक्षा समाप्ति के बाद ही वो जाते थे। विश्व में शिक्षा प्राप्ति का सबसे पहला स्थान भारत में ही था। आगे का प्रश्न देखिए, पुस्तकें किन षड्यंत्रों की शिकार होती हैं? पुस्तकें प्रायः षड्यंत्रों की शिकार होती रही हैं। पुस्तकें रातों रात पुरस्कृत होती हैं, लेकिन पुस्तकें रातों रात तिरस्कृत भी कर दी जाती हैं। पुस्तकें रातों रात महत्वपूर्ण रहती हैं, लेकिन पुस्तकें रातों रात अछूत कर दी जाती हैं। पुस्तकें एक रात के लिए प्रतिबंधित होती हैं, लेकिन पुस्तकें रात भर पढ़ने के बाद जला दी जाती हैं। तो ये षड्यंत्रों का शिकार हमेशा ही बनती रही हैं। अब पुस्तकों को छापने वाले भी कभी
जानबूझकर शब्दों का परिवर्तन कर देते हैं जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कभी कभी ग्रंथों के नाम बदल भी देते हैं जिस कारण से वहां भी परिवर्तन हो जाता है। इन कभी तो पुस्तक की समीक्षा बेवाक हो जाती है लेकिन अक्सर प्रायोजित समीक्षा भी की जाती है। इन समीक्षाओं में अक्सर एक गैर जरूरी लंबी भूमिका होती है। पुस्तक में जो है उसकी चर्चा कम की जाती है लेकिन पुस्तक में जो नहीं है उसकी चर्चा अधिक की जाती है। आगे का प्रश्न देखिए, पुस्तकों के जलने से होने वाली क्षति का वर्णन कीजिए। बख्तियार खिलजी ने नालंदा पुस्तकालय में आग लगा दी थी जिससे हमारे अमूल्य ग्रंथ, अमूल्य पुस्तकें जलकर के हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गई हैं। अब उन ग्रंथों को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही उनका कोई अवशेष बाकी रहा है कि दूसरे पुस्तकालय से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय बने हुए थे वो विश्व के सबसे बड़े पुस्तकालय थे। अब इन ग्रंथों का थोड़ा सा उल्लेख तिब्बत एवं चीन के ग्रंथों में मिलता है जिसे धर्मराज कहा गया है। शताब्दियों की शास्त्र साधना के साथ छल किया पुस्तकालय जलाने वालों ने, जो शताब्दियों की साधना थी, जो शोध थी, वो सभी की नष्ट हो गई और ये दोबारा प्राप्त होने वाली नहीं है। तो इसके जलने से बहुत बड़ी हानि हुई है। अब आगे का प्रश्न देखिए, विदेशी शब्द और तत्सम शब्द छांटना है। बेहसर ग्रंथ, दहशत, दहशत विदेशी है, दिमाग विदेशी है, गैर हाजिरी, गैर हाजिरी नहीं, इश्यू टेबल विदेशी है, अलमारी विदेशी है और सभी तत्सम है। अब देखिए प्रश्न तीसरा, यहां पर प्रश्न दिया है, पहले देख लीजिए, उपर्युक्त वाक्यों में आम शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहले वाक्य में आम का अर्थ जनसाधारण है। अब देखिए आम रास्ता है, तो आम रास्ता ये सभी के लिए कहा जाता है, ये आम रास्ता है, जनसाधारण शब्द है जिसका प्रयोग हम सभी करते हैं। आम के फल मीठे हैं, ये फल के लिए कहा गया है, जो आम में फल लगे हुए हैं उसके लिए कहा गया है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, पुस्तक चुराया जाता है, पुस्तक चुराई जाती है, जितना सोचता हूँ उतनी खिन्नता बढ़ती है, मैं जितना सोचता हूँ उतनी ही खिन्नता बढ़ती जाती है, हर पाठक को पुस्तक मिलना चाहिए, रविवार के दिन की छुट्टी रहती है। अब इनके देखिए, इसका देखिए, देखिए एक मिनट, आपको बताया जा रहा है प्रश्न, प्रश्न यहां पर दिया गया है उसका हमें बताना है, सही करके बताना है इसका। पुस्तक बेहसर विदेशी शब्द है, दिमाग विदेशी शब्द है, गैर हाजिरी सुटेबिल अलमारी। अब तत्सम शब्द है, दहशत शाश्वत जलयात्रा शंभाय दुर्लभ और समीक्षा, ये आम वाला मैंने आपको बता ही दिया है। पुस्तक चुराया जाता है यानी पुस्तक चुराई जाती है, जितना सोचता हूँ उतनी खिन्नता बढ़ती है, हर पाठक को पुस्तक मिलनी चाहिए, रविवार की छुट्टी रहती है, आया समझ में? तो ये अपना पूरा पाठ हो गया है, मैंने आपको पूरा बता दिया है,
आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।